हे गाइस, दिस इज रोनक और आज हम बात करने वाले हैं व्यू की तरफ से आने वाले नए दो स्मार्ट टीवी के बारे में। तो यहाँ पे नाम रखा गया है व्यू प्रीमियम टीवीज। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको एक नया टीवी ये वाला खरीदना चाहिए या फिर नहीं। उसके अलावा इन फ्यूचर मोटोरोला का जो टीवी हमने खरीदा है मेरे घर के लिए, उसका वीडियो जल्दी आने वाला है। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो पूरा डिटेल रिव्यू आएगा, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वो वीडियो देखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे व्यू ने अपने दो साइज के स्मार्ट टीवी आज लॉन्च कर दिए है, 32 इंच और 43 इंच। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके कुछ हाइलाइट्स और उसमें क्या कुछ कॉमन दिया हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल और आपको DTS स्टूडियो साउंड का सपोर्ट दोनों में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है टीवी के रेंज में। यहाँ पे आपको 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, जहाँ पे आपको दोनों में 1GB रैम और 8GB स्टोरेज दिया हुआ है, और आपको ड्यूल कोर GPU का सपोर्ट वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको व्यू क्रिकेट मोड करके आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको 100% बॉल विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप क्रिकेट वगैरह ज़्यादा देखते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे होगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ सेम टू सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं उसके कुछ और चीज़ों की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 9 पाई मिल जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। दोनों में आपको क्रोमकास्ट का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप अपना स्मार्टफोन वगैरह उसके साथ डायरेक्टली कास्ट कर सकते हो अपने टीवी पे। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया कि इस तरीके की रेंज वाले स्मार्ट टीवी में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है जो हायर एंड में आपको मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पूरा आपको एंड्रॉयड 9 पाई मिल जाता है, तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे अगर मैं उसके कनेक्टिंग पोर्ट वगैरह की बात करूँ, तो वाईफाई यहाँ पे आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, आपको 2 HDMI और 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, उसके साथ आपको लेन का पोर्ट मिल जाता है, RF और हेडफोन जैक भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है। ऑप्टिकल ऑडियो आउट का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलती है। और अगर मैं रिमोट की बात करूँ, तो रिमोट में आपको हॉट कीज मिल जाती है Amazon प्राइम के लिए, गूगल प्ले के लिए, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और आपको यूट्यूब के लिए कीज मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम थी। अभी यहाँ पे प्राइस डिफरेंस किस में है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 32 इंच की प्राइस है 10,990, जहाँ पे आपको 32 इंच HD डिस्प्ले मिलती है 1366x768 पिक्सल वाली, और यहाँ पे आपको 20 वॉट का बॉक्स स्पीकर मिल जाता है। तो इसके डिफरेंस के कारण यहाँ पे उसकी प्राइस 10,990 है। जहाँ पे 43 इंच की बात करें, तो यहाँ पे उसकी प्राइस है 19,999, तो यहाँ पे आपको 20,000 के अराउंड ये मिल जाता है। वैसे उसकी काफ़ी अच्छी प्राइस यहाँ पे आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपको फुल HD 1920x1080p वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आपको फुल HD सपोर्ट करती है, और यहाँ पे आपको 24 वॉट का बॉक्स स्पीकर मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें थी जिसमें आपको यहाँ पे प्राइस डिफरेंस मिल रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी आपको अच्छी लगी, और उसके अलावा काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी टीवीज़ है उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। और ये वाली अगर आपको ख़रीदनी है तो भी आप नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट पे ये आपको मिल जाएगी। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी और ये वीडियो कैसा लगा। इन फ्यूचर आप याद रखिए कि मोटोरोला का जो 4K 43 इंच टीवी है उसका वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे जाके सब्सक्राइब करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कुछ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।